Deepak Nagar, and we're going to do the blindfolded shopping challenge part 2 from Mumbai to Delhi. I think 3 saal ho gaye last challenge ko, so it's only fit to explore a completely new market. I have no idea what to expect from which stall. Very excited. Let's go. So I know challenge का नाम है blindfolded challenge, लेकिन मैंने जानबूझकर पहना नहीं और आँख बंद रखी है. वो जो 1% लोग होते हैं जो random comments करते हैं ना कि ओ आपको तो दिख रहा था blindfold के अंदर से, इसलिए मैंने इस बार आँख बंद रख के shoot किया है, so that you can see कि actually there was zero cheating. Earrings ना हमारा first step था, and वो मुझे restrictive नहीं करना था कि मैं सिर्फ Indian earrings ले लूँ, फिर मुझे outfit भी Indian ही लेना पड़ता. इसलिए मैं ना first rack में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे मस्त बड़े झुमके थे. सो देन फाइनली आई मूव्ड ऑन टू द थर्ड और फोर्थ रैंक, जहाँ पे मुझे ऐसे ऑप्शंस थोड़े से टच करके फील हो रहे थे कि जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ जा सकते थे, लाइक थोड़े से फैंसी वाले हूप इयर रिंग्स. आई थिंक वी कैन गेट दिस. आई फील कि इंडियन वेस्टर्न दोनों के जाएगा. डन. सो नाउ आई सी अ वेरी फन प्लेस फॉर आउटफिट्स. सो आई थिंक लेट्स हेड देयर फॉर द एक्चुअल मेन एलिमेंट. मेरा विजन था कि मुझे कुछ तो ब्राइट कलर्स में चाहिए था, एंड लाइक अ क्रॉप समथिंग विद अ ट्राउजर इज व्हाट आई वांटेड. तो मैं लिटरली सब आउटफिट्स को टच एंड फील कर रही थी, एंड इस सैटन वाला आउटफिट वैसे मुझे अच्छा लगा था, लेकिन आगे जो नॉट थी ना उस वजह से मैंने वापस रख दिया. एंड बिकॉज मुझे ना बिल्कुल वेस्टेज नहीं चाहिए था, मैंने आधे घंटे तक सारे आउटफिट्स टच कर करके आई मेड श्योर दैट आई एम पिकिंग समथिंग नाइस. फिर ये कॉर्डुरॉय मटेरियल ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट आउट एंड आई कंप्लीटली चेक्ड इट. Then I came across these diamond hangings. इतने लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है ना ये टॉप पहनते हुए कि आई थॉट कि नहीं, लेट मी एक्सप्लोर मोर एंड फाइंड समथिंग जो नहीं देखा गया अभी तक. I want like a nice blazer. And finally, the outfit of my dreams, मेरे हाथ लग गया, which was this one. एक तो उसका फैब्रिक इतना मोटा, इतना गुड क्वालिटी और स्टर्डी था, प्लस 3-पीस था, बस कम्प्लीटली सोल्ड. और मैं तो कलर्स चेकआउट करने की ट्राई कर रही थी. लेकिन फिर 2 मिनट में आ गया जवाब कि इस वाले में मेरी साइज थी ही नहीं, एंड इसलिए we found the main element, the outfit. You sure? Yeah. Time for footwear, and the problem is heels na upar lagi hui hai, to mujhe dheere dheere se touch karna hoga warna wo gir jayenge. Let's try. I want heels only with the outfit. Mujhe flats nahi chahiye, so that's where I'm headed. अब हील्स में और वेरी शौक की ब्लॉक हील्स चाहिए थे, तो वहाँ पे मेरा लक अच्छा था कि ये स्टोर में मैक्सिमम ब्लॉक हील्स थे. ये ब्लैक हील्स ना वेलवेटी थे, एंड दैट्स व्हाई आई वाज रियली लाइकिंग देम. तो वो हो गए हमारे शॉर्टलिस्टेड नंबर 1. सेकंड हील जो मुझे पसंद आया वो ना ये ट्रांसपेरेंट वाला फील था, क्योंकि प्लास्टिक ना शार्प हो रहा है स्केच पर, वैसे मुझे पता चल गया कि ये ट्रांसपेरेंट वाला है. लेकिन थर्ड वाले में ना चेन डिटेलिंग थी. आई एम गोना ट्राई वन इन द राइट एंड वन इन द लेफ्ट. आई थिंक ये मैंने पहले सेलेक्ट किया था, द वेलवेट वंस. दे वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुशनिंग भी है एंड वेलवेट इज ऑलवेज लाइक नाइस एंड स्नग. दिस आई फील लाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि प्लास्टिक ना हमेशा लगता है, बट आई फील लाइक लुक वाइज अगर मुझे आउटफिट अच्छा बनाना है तो ये बेटर रहेगा. आई मे नीड अ बिगर साइज इन दिस, लाइक आई माइट नीड बिगर साइज, क्योंकि पैर बाहर आ रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक दैट गोज द लेफ्ट वन. Yeah, I hope the color matches the outfit too. Back home, my eyes are still shut. I had to take help so I don't get a glimpse of what it is looking like. While wearing the thode bahut detailing feel hue jaise yaha
यहाँ पर हार्डवेयर है. ऑन द जैकेट आई कुड फील दैट देयर इज सम हार्डवेयर. सो आई एम गेसिंग, आई एम होपिंग दैट इट्स अ ब्राइट पॉप ऑफ कलर जो भी ट्रेंडिंग है, लाइक अ पिंक ग्रीन और इलेक्ट्रिक ब्लू. एंड फिट इसकी बहुत कंफर्टेबल है, मैं एकदम मूव कर पा रही हूँ. कांट वेट टू सी व्हाट इट्स लुकिंग लाइक. आई डू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, 1, 2, 3. Whoa! I can't believe with this blindfolded. What? Look at the fit. Forget everything. Just look at the fit.